जेंटलमैन, वेलकम टू गैराज रिव्यूज। आज हमारे पास है द 2022 TVS रोनिन, एंड TVS हैज बीन ग्रेशियस इनफ जिन्होंने मुझे ये बाइक अगले 5 दिनों के लिए दी है फॉर अ लॉन्ग टर्म ड्राइव रिव्यू। बाय द वे, अगर आपको याद नहीं है तो मैंने TVS रोनिन का अपने चैनल के ऊपर एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू पहले से कर रखा है, तो अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा है उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर चेक करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने ड्राइव इंप्रेशंस की ऑफ द न्यू TVS रोनिन, एंड हम बाइक को लेकर जा रहे हैं अभी कसौली। सो बाइक का मजा असली पहाड़ों में ही आता है, सो आई थॉट व्हाई नॉट पहाड़ों में लेके जाया जाए, एंड मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ कि कंफर्ट कैसा रहा ओवर अ लॉन्ग ट्रिप, इस बाइक के कुछ फीचर्स के बारे में, वो सब कुछ मैं आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले शुरू करते हैं इस बाइक के कुछ टेक्निकल फीचर्स से। जैसे कि इस बाइक के अंदर हमें मिलता है 225cc का इंजन, एंड इसका जो पावर आउटपुट है दैट इज अ मैक्सिमम आउटपुट ऑफ 20 BHP एट एन RPM ऑफ 7750, एंड अगर हम टॉर्क की बात करें तो इट इज अराउंड 19.93 ऑलमोस्ट 20 Nm एट एन RPM ऑफ 3750, जिसका मतलब ये बनता है कि इसकी जो मैक्स टॉर्क फिगर्स हैं वो हमें काफ़ी लो RPM पे मिलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इज अ गुड थिंग, क्योंकि नॉर्मली जब हम सिटी ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारी भी RPMs लो ही रहती हैं, एंड उसी के अंदर हमें पावर डिलीवरी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। जहाँ तक रही बात इंजन रिफाइनमेंट की, तो अभी तक मैंने बाइक जितनी भी चलाई है उसके अंदर आई कैन डेफिनेटली से TVS हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। बहुत ज़्यादा इंजन रिफाइंड है, कहीं भी आपको इंजन नॉइज या वाइब्रेशंस, इवन एट अ लिटिल हायर स्पीड आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होंगी। बट एक चीज़ ज़रूर है, जब आप इस बाइक को कुछ 80-90 की स्पीड पर आसपास चला रहे होते हैं तो इसकी RPMs थोड़ी हाई रहती हैं। इस बाइक के अंदर अगर एक 6th गियर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर। अभी इसके अंदर हमें एक 5-speed गियरबॉक्स ही मिलता है, बट नॉट एन इशू, 5-speed गियरबॉक्स भी अच्छा है। इट्स जस्ट दैट व्हेन यू आर ड्राइविंग एंड क्रूजिंग एट अ लिटिल 80 या 90 की स्पीड पे, उस टाइम पे आपको लगता है कि इंजन के RPMs बहुत ज़्यादा हाई हैं, एक 6th गियर भी आ सकता था, बट अदर देन दैट इट इज़ प्रिटी गुड। अगर हम उसके अलावा बात करें तो हमारे पास इसके अंदर एक जो फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा वो है एक असिस्टेड एंड स्लिपर क्लच का, यानी कि आप इसके अंदर अपनी जो क्लच की पोजिशनिंग है अपने हाथों के हिसाब से उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, विच आई थिंक एक कम्फर्टेबल एक्सपीरियंस के लिए, एक लॉन्ग राइड के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट अप, अगर हम बात करें माइलेज फिगर्स की, तो डिपेंडिंग ऑन आप कैसे चलाते हैं, अगर आप ज़्यादा हाई RPMs पे चलाते हैं तो उसके अंदर माइलेज ऑब्वियसली कम हो जाती है, बट द ARAI माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है दैट इज़ अराउंड 40 KMPLs, जो कि मेरे हिसाब से फॉर 225cc इंजन इज़ नॉट दैट बैड, स्पेशली गिवन द ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो ये बाइक हमें दे रही है। व्हाट अ राइड इट वाज, बहुत मज़ा आ रहा है, स्पेशली आज मौसम इतना अच्छा है और रखा है, तो हल्की हल्की बारिश हो रही है एंड उसके अंदर बाइक लेकर जाने का मज़ा अलग ही होता है। बट ओवरऑल आई थिंक वी हैव ड्रिवन अबाउट व्हाट 30-ish kilometers नाउ। अभी हम गोपाल्स पे रुके हुए हैं, यहाँ पे वी गोना वेट फॉर सम स्नैक्स और समथिंग, बट द थिंग इज अभी तक मैंने और मेरे दोस्त दिव्यांश है, ये बाय द वे मैं आपको मिलाना भूल गया, सॉरी। हाय दिव्यांश, कैसे हो, वेलकम टू द चैनल। सो दिव्यांश और मैं दोनों आए हुए हैं आज बाइक को लेकर, एंड दोनों ने चलाई है अच्छी खासी, लाइक 10-15 किलोमीटर दोनों ने गाड़ी चलाई है, एंड आई पर्सनली लव दिस। मतलब लो एंड पे जो इसका टॉर्क आ रहा है दैट इज़ रियली रियली नाइस, बहुत अच्छी पिकअप है। ऑल्दो मुझे लगा कि 5th गियर इस बाइक में, लाइक स्पेशली इन द हिल्स माउंटेन्स में 5th गियर में अभी मतलब मैंने नहीं डाला है इसको, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि थोड़ी बाइक दब रही है इन 5th गियर। 3rd-4th गियर इज़ अमेजिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ, इसका ये ऑफ सेंटर जो ये अनसिमेट्रिकल डिज़ाइन दिया हुआ है दैट ऑल्सो इज़ वेरी नाइस, बट आई थिंक इनफ अबाउट मी। एक बार जानते हैं मेरे दोस्त से, दिव्यांश व्हाट डू यू थिंक, कैसी लगी बाइक अभी तक? पर्सनली मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्टॉल एग्जॉस्ट मेरे को इसका बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पर्सनली दूसरी बाइक्स में
मेरे को इतना क्लियर साउंड नहीं मिला अंटिल अनलेस तुम्हें बहुत ही लाउड करानी है या फिर तुम्हें बहुत मेजर चेंजेस कराने हैं, इट्स सफिशिएंट फॉर यू गाइस। सेकंड ब्रेकिंग सिस्टम मेरे को इसका बहुत अच्छा लगा, स्पेशली इन रेनी डेज मेरे को कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि ब्रेक्स का कंपनसेट किया गया है या फिर ब्रेक्स थोड़ी लूज हैं। थर्ड, राइडिंग पोस्चर इज क्वाइट कंफर्टेबल, यू कैन राइड इट फॉर क्वाइट किलोमीटर्स बट विल नेवर फील एनी पेन इन योर बैक। एंड ये मेरे को भी एक्चुअली काफ़ी सही पॉइंट लगा दिव्यांश, मतलब मेरी हाइट काफ़ी लंबी है, मैं 6 feet ऑलमोस्ट 2 inches एंड यूजुअली ऐसा होता है लंबे लोगों के लिए बाइक चलाना थोड़ा मुश्किल होता है या फिर उनकी कभी लाते टच करती हैं हैंडल के साथ या फिर यू नो उनको पीठ बेंड करनी पड़ती है, बट इस बाइक का जो पोस्चर है आई रियली रियली लाइक दैट, काफ़ी अच्छा पोस्चर लगा मुझे इस बाइक का। एंड इसके अंदर वो ड्राइविंग मोड्स भी मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, मतलब जैसे दिव्यांश बोल रहा था अबाउट द ब्रेकिंग सिस्टम, इसके अंदर 2 modes आते हैं, अर्बन एंड रेन मोड, तो अभी हम फिलहाल रेन मोड में ही चला रहे थे बाइक को एंड उसके अंदर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आई ऑल्सो फील वॉज क्वाइट गुड। एक छोटा सा ड्रॉबैक मेरे को ज़रूर लगा वो ये है, जब दिव्यांश चला रहा था एंड मैं जब पीछे बैठा हुआ था तो मैंने अपना बैकपैक लगाया हुआ था एंड इसका जो पीछे वाला मड गार्ड है दैट इज़ नॉट दैट गुड, क्योंकि मेरा बैग लाइक लिटरली मिट्टी से भीगा हुआ है, इसके सारा पीछे से जो मिट्टी उड़कर आ रही थी वो सारी बाइक के मेरे बैग के ऊपर आई है, सो मतलब इसका मड गार्ड वाला मेरे को थोड़ी सी पता नहीं कैसे शेप है उसकी, बट उसके अलावा आई थिंक द एक्सपीरियंस वॉज प्रीटी गुड। अभी तक हम लेकिन पहुँचे नहीं है, we just have to stop for a few snacks and then we'll be on our way. तो कसौली से अभी हम कुछ 10 मिनट दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, but I just stopped here. I mean, just look at the view over here. And the view of the Ronin with it. मतलब इसके कलर स्कीम भी लाइक प्रॉपर वाइब के साथ मैच हो रहे हैं आज, ग्रेश वाइब, यू नो ग्रेश कलर, ब्लैकिश टोन एंड दिस अमेजिंग गोल्डन फिनिशेज एवरीवेयर, बहुत अच्छा लग रहा है। बट बारिश के मौसम में एक चीज़ जो हमेशा होती है वो है गंदी, बाइक अच्छी खासी गंदी हो गई है एंड पता लगता है कि वी हैड फन ऑन द बाइक। अभी तक का एक्सपीरियंस तो बहुत क्रेजी रहा है, आई हैव लव्ड एवरी सिंगल मिनट ऑफ दिस ट्रिप फिलहाल के लिए, बट लेट्स रीच कसौली अभी एंड I'll give you the final verdict there. A few moments later. And so, अब हम finally कसौली पहुंच चुके, मतलब हम पहुंच चुके थे, हम वहाँ पे वीडियो ऑन करने वाले थे बट वहाँ पर वो एयरफोर्स स्टेशन है जिसकी वजह से उन्होंने हमें वीडियो बनाने नहीं दी बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस। तो कसौली से अब हम 1 kilometer वापस आ चुके हैं वीडियो बनाने के लिए, बट देन पहुंच गए थे हम एंड इट वॉज एन अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस। बारिश भी अब बहुत तेज़ आने लग गई है बट ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है विद दिस बाइक इट हैज़ बीन अमेजिंग, मतलब जो इसने पहाड़ों पे हमें परफॉर्मेंस दी है, जो हमें स्पेशली नेविगेशन वगैरह का फ़ायदा हमें जो रहा है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यूजुअली वेन एवर इट इज़ कि मतलब हम पहाड़ों वगैरह में आते हैं तो मतलब गाड़ियों में तो ऑब्वियसली हमारे पास नेविगेशन होता है, फ़ोन होल्डर्स हमारे पास होते हैं तो हम देख सकते हैं, बट देन यहाँ पर तो इशू इस पहली बार तो बाइक के ऊपर फ़ोन होल्डर्स नहीं आते, मतलब लोगों को लगवाने पड़ते एक्सटर्नल एक्सेसरी के साथ एंड ऊपर से अगर बारिश हो रही हो तो उसमें भी दिक्कत आ रही है, बट देन इस डिस्प्ले के अंदर ये मेरे पास जो नेविगेशन दे रखी थी, अगर मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 2 बार कॉल आए थे मेरे फ्रेंड्स वगैरह के तो उसका भी कॉल नोटिफिकेशन मेरे को पता चल जाता है कि किसी का कॉल आया है। ओवरऑल इट इज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड ऊपर से हम लाइक पहाड़ों में आए हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत बार फॉग हो जाती है यहाँ पर, फॉग के टाइम पर भी हमारे पास इसी के अंदर इनबिल्ट हैज़र्ड लाइट्स हमने ऑन कर दी थी जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी थी। इसका रेन ABS आई थिंक इज़ रियली रियली नाइस, बीच में 2-3 ऐसी जगह आई थी जहाँ पे हमें एकदम से हार्ड ब्रेक करना पड़ गया था, कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हमने स्टेबिलिटी लूज कर दी है बाइक के अंदर या समथिंग, वेरी वेरी नाइस। एंड ऊपर से हम 2 लोग थे, लाइक 160 kgs की ये बाइक है, मेरा वेट इज़ अराउंड 65 kgs एंड माई फ्रेंड इज़ एक्चुअली 108 kgs, तो उसके साथ अगर हम सब कुछ मिला लें तो आई थिंक इवन विद दैट अमाउंट ऑफ वेट ये बाइक ने काफ़ी अच्छा हैंडल किया है सब कुछ। एंड एक चीज़, हमने जब कसौली की पार्किंग में ये बाइक वहाँ पर लगाई तो वहाँ पर 2-3 bikes और थी, एक अपाचे RTR 310 थी किसी की एंड देर वॉज ऑल्सो हार्ले डेविडसन ओवर देयर, तो ऑब्वियसली हार्ले के ऊपर काफ़ी लोगों की नज़र गई थी, बट देन दिस इज़ दी अदर बाइक दैट पीपल वर लुकिंग एट, में से 2-3 लोगों ने पूछा भी कि कौन सी बाइक है बिकॉज रोनिन इज़ 1 bike जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, बहुत ज़्यादा मार्केट में अभी नहीं आई है लोगों के पास, दैट इज़ वाई पीपल आर एक्चुअली क्यूरियस टू सी कि कैसी बाइक है। एंड ऊपर से दिखने में इट इज़ अ स्मार्ट बाइक, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, इसके जो अलॉय व्हील्स हैं हमें काफ़ी हार्ले की याद दिलाते हैं, इसका टैंक काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लुक दिया गया है इस टैंक को,
अगर हम स्पेशली अगर हम इस साइड से देखें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इसका ये जो कवर है चेन के ऊपर, ये कवर ऐसे लुक में दिया गया है जिससे लगता है कि ये बेल्ट ड्रिवन बाइक है, जबकि इन एक्चुअलिटी इट इज अ चेन ड्रिवन बाइक ओनली। लेकिन फिर भी लुक वाइज काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें दी गई हैं इस बाइक में। तो ये तो थी इसकी पॉजिटिव्स एंड जो अच्छी चीज़ें मुझे लगी हैं बाइक में। अब आते हैं दो चीज़ें जो मुझे इस बाइक के अंदर अनॉय करी हैं। सबसे पहली चीज़ तो थी इस कार के मिरर्स। सबसे पहले मैंने इन मिरर्स को अभी टेढ़ा किया, जब मेरे को बाइक की डिलीवरी मिली थी तो मिरर्स ऐसे दिए हुए थे, तो इसके अंदर तो पीछे देखना फॉर मी वॉज इम्पॉसिबल, मुझे पीछे दिख ही नहीं रहा था। तो आई टर्न देम लाइक दिस, फिर भी विजिबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज होगी बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा मेरे हिसाब से। एक तो चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ ये थी कि इस बाइक को जब हम थोड़े हाई एंड रेव रेंज में लेके जाते हैं, मतलब आप ये लगा लीजिए अराउंड 5,500-6,000 RPM के ऊपर जब हम लेके जाते हैं, तो मुझे टॉर्क थोड़ा सा कम लगा। इसका जो टॉर्क हमें मिलता है ओवरऑल, जो फुल पोटेंशियल मिलता है, वो काफ़ी लो RPM 3,750 RPM से मिल जाता है, जो कि सिटी ड्राइविंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बट जैसे ही आप थोड़ा सा भी ऊपर लेकर जाते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा अंडर पावर्ड लगी उस टाइम पे, बट उसके अलावा दीज आर द ओनली टू थिंग्स दैट आई फाउंड अभी तक। अच्छा, एक चीज़ और, जब हम आ रहे थे तो बारिश इतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन अब बारिश हो चुकी है थोड़ी सी तेज़, तो अब हम वापस जाने लगे हैं। देखते हैं कि बारिश के, जब बारिश एक्चुअली हो रही है तब मेरे को कुछ इधर उधर बात बताने वाली अगर आपको लगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, सो स्टे ट्यून्ड। हमारे पास ये बाइक अभी भी है 4 और दिनों के लिए, उसके अंदर हम काफ़ी वीडियोस निकालने वाले हैं। तो इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल, आई सजेस्ट यू डू दैट राइट नाउ। इट इज अ ब्रांड न्यू डे, हम आ गए हैं कसौली से वापस। अनफॉर्चुनेटली जब हम वापस आए तो ट्राई सिटी के अंदर तो बहुत ही ज्यादा तेज बारिश थी, वी कुड नॉट कंप्लीट द वीडियो एट दैट टाइम, हम बिल्कुल भीग गए थे। बट नाउ इट इज द ब्रांड न्यू डे एंड हम वीडियो की एंडिंग इस टाइम पे करने वाले हैं। ऑल्दो हमारा ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा फन आया हमें, देर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें इस बाइक के बारे में पता चली हैं दैट आई वुड वॉन्ट टू शेयर विद यू, स्पेशली इन द रेन। जब मैं आपको बता रहा था लास्ट हमने जब वीडियो शूट की थी, तो उसके अंदर मैं आपको बोल रहा था कि बारिश अभी आने वाली है, तो इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस और जो हमें बारिश के अंदर कुछ चीज़ें पता चलेंगी वो मैं आपको बताऊँगा एंड आई विल राइट नाउ। वो ये था कि जब हम वापस आ रहे थे तो ऑब्वियसली पहाड़ों के बीच में बारिश स्पेशली ऑन ए बाइक और समथिंग काफ़ी डेंजरस हो जाती है कभी कभार, यू नो आपको स्लिप करने का डर रहता है एंड ऑल दैट स्टफ, बट आई फील ये बाइक उस मामले में वाज अमेजिंग। इस बाइक का जो हैंडलिंग थी, इस बाइक की जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस थी ड्यूल चैनल ABS होने की वजह से, इट वॉज अमेजिंग। कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम स्टेबिलिटी लूज़ करने वाले हैं या फिर यू नो हमें थोड़ा डर लग रहा है बाइक को चलाते हुए, नॉट एट ऑल। It was extremely, extremely fun, even in the बारिश। मतलब हाँ, चलाने में हमें बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो बारिश की बूंदें बिल्कुल हेलमेट के ऊपर चिपक रही थी एंड वी कुडंट सी मच, उसकी वजह से ज़रूर दिक्कत आई थी, बट उसके अंदर बाइक की कोई गलती नहीं है। बट ओवरऑल द ट्रिप वॉज अमेजिंग। इस बाइक के बारे में हमें काफ़ी कुछ पता चला है एंड आई रियली रियली लव दैट। ओवरऑल आई फील दिस इज़ वन ऑफ द परफेक्ट बाइक्स जो आप अपने घर पर खड़ा सकते हैं। इट लुक्स अमेजिंग, मतलब इसका जो टी स्टाइल DRL आपको देखने को मिलता है, ये जो आपको कलर स्कीम देखने को मिलती है बाइक पे, इट लुक्स अमेजिंग। यहाँ तक कि मैंने आपको ट्रिप पे भी बताया कि जब हम जा रहे थे, हम 2-3 बार बीच में जब रुके थे खाने पीने के लिए, मेरे पास एक्चुअली काफ़ी सारे लोग आए पूछने के लिए बाइक कौन सी है। अब यस, ये बाइक अभी मार्केट में बिल्कुल नई नई आई है, तो रोड पर आपको देखने को भी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, तो इसलिए कई लोग क्यूरियस थे कि ये बाइक कौन सी है, बट कई लोगों को जेन्युइनली ये बाइक देखने में बहुत पसंद आ रही थी, कई लोगों को जेन्युइनली इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, जो कि पर्सनली मुझे भी इस बाइक की सबसे बेस्ट पार्ट लगा इन माई पर्सनल ओपिनियन। एवरीथिंग अबाउट दिस बाइक इज गुड, कंफर्ट के मामले में इट्स गुड, सेफ्टी के मामले में इट्स गुड, एंड आई फील दैट अगर आप मार्केट में एक बाइक ढूंढ रहे हैं, दिस इज द परफेक्ट बाइक फॉर यू। बट यही था इस वीडियो में गाइज, मेरी तरफ से कसौली का ट्रिप वॉज अमेजिंग, मुझे ये वीडियो शूट करते हुए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आपको कैसे लगी ये वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नया नया कंटेंट निकालने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं आपसे मिलूंगा
अगली वीडियो में।